आजादी के 74 साल बाद भी आज कोई काम जनता का हो, फाइल सरकारी मेजों पर सरकने में महीनों लगा देती। लेकिन राजस्थान आपको लिए चलते हैं, जहां जनता के पैसों से 266 करोड़ रुपए के विधायकों के फ्लैट बन रहे हैं, और वो भी निर्माण पूरा करने की तारीख गारंटी के साथ तय करके। जिस राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक सरकार के ऐलान के बाद अब भी जल्द नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उसी राज्य में विधायकों के लिए 266 करोड़ रुपए की लागत से फ्लैट बनाने का काम चल रहा है। इन दो तस्वीरों से इस कहानी को सीधे समझ लीजिए कि किसी भी भर्ती में रोजगार कब तक मिल पाएगा, इसकी कोई तारीख सरकार फिक्स नहीं कर पाती। लेकिन जब विधायकों के लिए फ्लैट बनाने की बात आई तो ये फ्लैट 5 नवंबर 2023 तक तैयार होंगे, इसकी तारीख फिक्स करके चिपका दी गई। तो आप सोचिए, सरकारों की प्राथमिकता में कहां है बेरोजगार नौजवान और कहां है चयन के बाद भी भटकते युवा। आम लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे से राजस्थान में विधायकों के लिए बन रहे आलीशान फ्लैट्स एक बार जब बनकर तैयार हो जाएंगे तो उसकी तस्वीर कुछ इस तरह नजर आ सकती है। प्रदेश के विधायकों को 4 BHK आलीशान फ्लैट्स के साथ साथ स्विमिंग पूल, क्लब हाउस की सुविधाएं भी मिलेंगी। जनता को राहत देने के लिए पैसों की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन देखिए, राजस्थान में विधायकों के लिए 4 बेडरूम हॉल किचन वाला कुल 266 करोड़ रुपए की लागत वाला फ्लैट तैयार होता है। राजस्थान में भले नर्सिंग से लेकर तमाम दूसरी परीक्षाओं में अपनी नौकरी के लिए भटकते युवाओं को रोजगार देने के लिए 24 घंटे काम नहीं हो पाता, लेकिन विधायकों के लिए जयपुर में 6 एकड़ की प्राइम लोकेशन पर 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में 24 घंटे लगातार मजदूर फ्लैट बना रहे हैं। बहुत पुराने विधायकों के आवास बने हुए, विधायकों की डिमांड थी, हर पॉलिटिकल पार्टी के विधायकों की डिमांड थी कि भाई ये बनने चाहिए, और इतनी बड़ी जमीन पड़ी है कि उस जमीन का कम जमीन में अच्छे फ्लैट्स आ जाएंगे, उसके बाद सुधार होगा। नो डाउट कोरोना में पैसे की जरूरत है और वो कमी है, लेकिन इससे भी पैसा सरकार के पास बचती होगी, सरकार का कोई घाटा नहीं होगा। जिस राजस्थान में 158 विधायक करोड़पति हैं, जिनकी सैलरी 40% तक 2019 में बढ़ा दी गई, उनके पुराने घरों को बदलने के लिए 250 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन सुरेश और राधे मीणा जैसे बेरोजगारों की किस्मत बदलने का ध्यान सरकार को नहीं आता। जो हम जैसे लोग बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए तो वो कुछ कर ही नहीं रही सर, और उनके लिए वो सरकार वो जो विधायकों के लिए फ्लैट बना रही है उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, वो तो उनके पास ऑलरेडी खुद के घर हैं। काश जितनी तेजी माननीयों के घर बनाने में होती है, वही सक्रियता सरकारें जनता को रोजगार देने में भी लगा देती। देव अंकुर वधावन, जयपुर आज तक।